तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। मैं आलू नेन पेंट क्यों लगा रही हूँ और मैं सेफ्टी पिन में धागे को क्यों डाल रही हूँ, तो चलिए ये सब जानने के लिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला हैक टिप इस तरीके से आलपिन को लेके है। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर इस तरीके से चूड़ियों में ही, मेरे पास ज़्यादा सेफ्टी पिन रहता है तो मैं इस तरीके से ही चूड़ी में लगा के ही रखती हूँ, और ड्रेसिंग टेबल में इस तरीके से चूड़ियों के साथ मैं इसको हैंग कर देती हूँ। तो देखिए मैं 2 से 3 इस तरीके से सेफ्टी पिन ले लेती हूँ। और दोस्तों इसी तरीके से मैं एक आलू ले लेती हूँ। आलू बड़ा या छोटा इस तरीके से लेने के बाद मैं सेफ्टी पिन को इस तरीके से आलू में क्यों डाल रही हूँ, तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम कभी कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं, हमारे पास मैचिंग का पिन वगैरह नहीं रहता है, तो देखिए हमें जो भी साड़ी जैसा भी हम पहन रहे हैं उस कलर का नैन पैंट ले लीजिए, और नैन पैंट को बहुत इजी तरीके से इस तरीके से आलपिन के ऊपर जब नैन पैंट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो कलर है बहुत इजी तरीके से साड़ी में मैच भी कर जाएगा। ये आलू में मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि लगाने के बाद अब आप आलू को रख देंगे तो आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से, अच्छी तरीके से जो नैन पैंट मैं लगाई हूँ अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने साड़ियों का मैचिंग बना सकते हैं, और बनाने के बाद अब आप देखेंगे कि बिल्कुल भी जो ये सेफ्टी पिन का ये चमक है बिल्कुल भी साड़ी में जब हम हैंग करते हैं ना, तो आपने देखा होगा अलग से ही चमकता है, तो बिल्कुल नहीं चमकेगा। अब आपकी साड़ी का मैचिंग बन के रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने साड़ी का मैचिंग कर सकते हैं। जो भी साड़ी पहने आप उसी कलर का नैन पैंट लगा के इस तरीके से आलू में इसको कहीं अच्छी जगह रख दीजिए कि अच्छी तरीके से जो नैन पैंट मैंने लगाया हुआ है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। जी हाँ दोस्तों, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, इस तरीके से जो भी कलर आपको चाहिए, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। दोस्तों मौसम चेंज हो रहा है और गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो आपने देखा होगा क्या होता है कि हमारा जो हाथों का स्किन होता है अपना धीरे धीरे स्किन छोड़ने लगता है, और जब दोस्तों छोड़ता है तो ये बहुत ही बेकार लगता है, दरदरा टाइप में स्किन खिंचा खिंचा लगता है। तो दोस्तों इसी के लिए एक हैक टिप छोटा सा है। तो देखिए सबसे पहले मुझे, अगर आपके घर में चीनी पिसा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पिसा हुआ है तो खलबट्टे में चीनी ले लेना है 1 से 1.5 चम्मच। इसको अच्छी तरीके से खलबट्टे में आपको पीस लेना है, और पीसने के बाद मैं बताऊंगी कि इसका रीज मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो दोस्तों चीनी एक ऐसा है चीज की काफ़ी हमारे हर चीज़ में अच्छा भी रहता है, फायदेमंद भी लाता है। तो चलिए आगे की प्रोसेस जानने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको कूट लेती हूँ अच्छी तरीके से, और कूटने के बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। कटोरी में निकालने के बाद अब आप देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी की इस तरीके से ये है, और मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी डालती हूँ। दोस्तों वही हल्दी है जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ। तो दोस्तों हल्दी में एक ऐसा एंटीबायोटिक गुड़ है, ये अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। और दोस्तों मैं इसमें नारियल का तेल डाल दे रही हूँ। नारियल का तेल डालने के बाद मैं आपको रिव्यू बताऊंगी इसको मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसको अच्छी तरीके से डाल के और मुझे मिक्स कर लेना, हाथों से कर लीजिए या चम्मच से कर लीजिए। तो चलिए मैं चम्मच से कर लेती हूँ, इसको लिक्विड कर लीजिएगा, थोड़ा सूखा है तो मैं इसमें और तेल डाल लेती हूँ, तो ये ज़्यादा ड्राई लग रहा है। तो दोस्तों ये जो नारियल का तेल है हमारे हाथों को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट रखेगा, और चीनी जो है ये स्क्रबर का काम करेगा, और ये जो हल्दी है इसमें एक ऐसा एंटीबायोटिक गुड है कि हमारे हाथों में काफ़ी अच्छा निखार भी ले आएगा। तो चलिए ये अच्छी तरीके से थोड़ा मैं ड्राई कर ली हूँ। अब ये जो चीनी, हल्दी है और तेल है, अब इस तरीके से लेके मुझे अपने हाथों में अच्छी तरीके से रफ करना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, और नहीं टाइम है तो आप इस तरीके से आप अपने हाथों में रफ कर लेंगे। जो ये चमड़ा हाथों का छोड़ता है, कभी कभी नया स्किन लेता है तो हमारे हाथों के साथ काफ़ी समस्या भी हो जाता है, बहुत अजीबपन भी लगता है। तो चलिए इसी तरीके से मैं रफ करने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों को साफ कर लीजिए। चीनी दोस्तों ये क्या है ना कि बहुत ही अच्छा स्क्रबर का काम करता है, बहुत ही बढ़िया करता है इस तरीके से। तो चलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से रफ कर लिया है। चाहे तो आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से रफ करने के बाद जब आप इसको धुल के देखेंगे ना, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपका हाथ ही नेचुरल हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरीके के जो हम मार्केट से दवाइयाँ ले आते हैं, महंगी से महंगी दवाइयाँ ले आते हैं, और दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। तो देखिए क्यों ना हम घरेलू नुस्खा आजमाएं तो आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। अगला हैक टिप इस तरीके से सुई में धागा डालने के लिए है। तो दोस्तों सुई में धागा डालना बहुत ही भारी पड़ता है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हर किसी का आई साइड वीक, मतलब एक जैसा नहीं रहता है, किसी का वीक रहता है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है धागा डालना। तो देखिए सबसे पहले तो जब भी हम धागा लेते हैं इसका नोक कैंची से काट देना चाहिए, और इस तरीके से जैसे कि मैं बता रही हूँ, नोक काटने के बाद ये नोक में क्या है ना कि कड़ापन आ जाता है, और जब भी हम धागा डालते हैं तो अच्छी तरीके से चल भी जाता है। तो देखिए इस तरीके से क्या करना है, मैं सेफ्टी पिन ले ली हूँ, और सेफ्टी पिन लेने के बाद अगर आपका वायर, आपके पास वायर का अगर पतला वाला तार है तो उसको ले लीजिए, नहीं है तो इस तरीके से जो झाड़ू होता है ना, झाड़ू का एक पतला सा बाल ले लीजिए। तो देखिए जो झाड़ू का वैसे भी पतला सा बाल काफ़ी अच्छा भी होता है, और ये हमारा ये धागा डालने के बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर वायर है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए मैंने एक बाल ले लिया है, अब आप देखेंगे ना कि ये इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद अब आप देखेंगे कि मुझे इस तरीके से जो सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को ऊपर रख लेना है जैसे कि मैंने रखा है, और इसको रखने के बाद टेप के हेल्प से ना मुझे अच्छे तरीके से मजबूती से इसको लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से टेप लेके इसको मजबूती से लगा के, और दोस्तों क्या है ना कि इस तरीके की जब हम बाहर से मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो बहुत महंगा भी मिलता है, और इस तरीके से हमारा एक जगह टिकाऊ भी नहीं रहता है। तो इस तरीके से क्यों ना छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बना के आप अपने घर में इस्तेमाल करें, और बिल्कुल भी एक रुपये इस ऑर्गेनाइजर में बिल्कुल भी आपका खर्च नहीं है। तो चलिए मैंने लगा दिया है, अब मैं इसमें धागा भी डाल के दिखाती हूँ कि धागा बहुत ईजी तरीके से चला जाता है। तो देखिए ये जो झाड़ू का मैंने बाल लगाया हुआ है, तो सबसे पहले ये जो बाल है ना मुझे इसको डाल लेना है सुई के अंदर, सुई के अंदर डाल लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से डाल लेना है। ये बहुत इजी तरीके से इसके अंदर चला जाता है, और ये जो झाड़ू वाला बाल है इसके अंदर मुझे धागा डाल लेना है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत इजी तरीके से चला गया है, और ये जो झाड़ू का बाल है इसके अंदर मैं धागा डाल लेती हूँ। तो दोस्तों ये बहुत इजी तरीके से धागा चला जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे धागा बहुत इजी तरीके से चला गया है। बस ये जो सुई है मुझे कुछ नहीं करना है, सुई को पकड़ के बाहर निकाल लेना है। तो आप देखेंगे ये धागे के अंदर हमारी सुई जाके अटैच हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है, और दोस्तों मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और एंड ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आया, वीडियो अगर जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।